एफआईआर का लिटरली मीनिंग जो है वो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दैट डिस्क्राइब इन सेक्शन 154 सीआरपीसी, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर किसी भी इंफॉर्मेंट मतलब कि जिसके साथ कोई भी क्राइम हुआ है या जिसको किसी क्राइम के होने के बारे में पता है, दैट क्राइम लेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस. क्राइम दो तरीके के होते हैं. पहला होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड द सेकंड वन इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनके लिए पुलिस को बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन के या वारंट के वो दूसरे बंदे को एक्यूज को अरेस्ट कर सकते हैं, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन के वो अरेस्ट नहीं कर सकते या वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते. अब हम बात करते हैं एफआईआर की. एफआईआर जो रिलेटेड होती है, पहली बात तो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए. अगर आप सेक्शन 154 के थ्रू जा रहे हैं तो आप कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन जाकर के पुलिस स्टेशन में जाएंगे. पुलिस स्टेशन में जाकर के आप पेपर पे उसको लिखेंगे, अपनी पूरी बात लिखेंगे कि आपके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ. उसके बाद आप वो पुलिस ऑफिसर को देते हैं और पुलिस ऑफिसर उसके बाद अगर उसको लगता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो उसके बाद एफआईआर लॉन्च करेगा और उसकी एक कॉपी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देगा. अब बात करते हैं कि अगर पुलिस वाला, अगर आप पुलिस स्टेशन गए और आप जो पुलिस ऑफिसर है वो आपकी बात नहीं सुन रहा और आपके साथ जो क्राइम हुआ उसको वो लॉज नहीं करता है, तो तब सेक्शन 154 सबसेक्शन 3 के अंदर आपके पास पावर है कि आप जो पुलिस स्टेशन एसएचओ के ऊपर जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है उनके पास जा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और जो मेरे साथ क्राइम हुआ डेट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस और पुलिस वाले मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप आकर के इस पे एफआईआर लॉन्च कराएं. अब समटाइम्स क्या होता है कि आप ऊपर भी गए और आपकी बात नहीं सुनी जाती, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोविजन है कि हम 156(3) जिसको हम बोलते हैं रेड विथ सेक्शन 200 सीआरपीसी, हम 156(3) की एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करते हैं और कोर्ट को बोलते हैं कि जी हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने पुलिस को कंप्लेंट की और उसके सीनियर अथॉरिटीज के पास भी हम गए बट पुलिस वालों ने हमारी बात नहीं सुनी, तो हम चाहते हैं कि कोर्ट इसमें हमारी हेल्प करे और पुलिस वाले को पूछा जाए कि आपने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया और क्या एक्शन नहीं लिया.